नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबको केबी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, पिछले सेशन में हम लोग स्क्वायर देखे थे और स्क्वायर में कुछ नंबर का स्क्वायर निकालना सीखे थे। तो चलिए उस सेशन को जारी रखते हैं और कुछ स्क्वायर और देखते हैं। जैसे आज का हमारा रहेगा बेस 400 प्लस माइनस। तो देखते हैं, अगर हमें 402 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो हमने बेस क्या रखा है, 400 प्लस माइनस। तो देखेंगे ये कि 400 से 2 कितना अधिक है, या जो नंबर है ये 400 से कितना अधिक है। 402 ले लिए या 404 ले लिए, 405 का स्क्वायर निकालना हो, 409 का स्क्वायर निकालना हो या 412 का स्क्वायर निकालना हो, कुछ भी हो। तो पहले देखेंगे कि चार बेस जो क्वेश्चन लिए हैं, जो नंबर 404, 405, 409, 412, तो ये 400 से कितना अधिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 402 क्या है, कि 400 से 2 अधिक है। तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं। 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 04। अब 04 क्यों लिखते हैं, पिछले क्लास में देखा था कि जब भी स्क्वायर होगा तो 2 ये लेगा ही लेगा, तो 04 लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, 2 अधिक है तो 2 इसमें जोड़ देते हैं, क्या हो गया ये 404। 2 अधिक था तो 2 जोड़ देंगे, मतलब जितना अधिक होगा उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि बेस हमने क्या लिया है 400, और 400 बराबर क्या होता है, 400 इक्वल टू आपको ही पता है कि 100 गुने 4 होता है, इसीलिए यहाँ 400 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 4 से 4 चौका 16, 0 की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा, 4 चौका 16, यानी आपका क्या स्क्वायर हो गया 16 16 04। वैसे ही 404 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 408। 408 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौका 16। यहाँ 5 अधिक है, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और ये 410 हो जाएगा, गुने 4 करेंगे 40, 4 चौका 16। यहाँ 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, 9 जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 418, गुने 4 करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7, 4 चौका 16, 16 72 81 आएगा। यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, बट हमें क्या करना है, ओनली 2 digit ही लेना है, यानी एक को क्या करेंगे हासिल मिल लेंगे, यानी कैरी ले लेंगे आप। अब इसमें 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 424 गुने 4, 4 से 4 चौका 16, 4 दुना 8, सॉरी 4 चौका 16 और 1 17 के 7, 4 दुना 8 है 1 9, 4 चौका 16, 16 97 44 हो जाएगा। एक दो और देख लेते हैं, 414 का स्क्वायर निकालना है। तो देखना यह है कि 400 से कितना अधिक है, तो 400 से 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, बट क्या लिखेंगे 961 क्या करेंगे कैरी ले लेंगे। अब इसमें 14 ऐड करेंगे, 428 गुने क्या करेंगे हम 4 करेंगे, 4 अट्ठे 32 एक 33 के 3, कैरी कितना हो जाएगा हमारा 3। देखिए ये याद के लिए यहाँ पे कैरी नीचे लिख सकते हैं, बट एक बार अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मन में ही यहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 4 अट्ठे 32 एक 33, 4 दूना 8 3 11, 4 चौका 16 एक 17, 17 13 96। वैसे ही 416 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, बट क्या लिखेंगे 562 क्या करेंगे कैरी के लिए यहाँ लिख देंगे। जैसे ही 16 इसमें ऐड करेंगे 432 हो जाएगा और गुने 4 करेंगे, 4 दूना 8 2 10 के 0, 4 3 12 1 13 के 3, 4 चौका 16 एक 17, यानी 17 30 56। 421 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर 441, 4 क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, और जैसे ही इसमें 21 जोड़ेंगे 400, ये क्या हो जाएगा 21 दूना 42 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, 4 12 के 2, 4 चौका 16 एक 17, 4 चौका 16 एक 17, 17 72
41 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग प्लस में निकाल सकते हैं। अब कुछ माइनस वाला देख लेते हैं। जैसे हमें अगर 396 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि 396 क्या है, 400 के आसपास, यानी 400 से कितना कम है, 4 कम है। यहां पे 400 से 4 कम है, तो अब 4 कम है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। बस इसमें यह देखना है, जितना अधिक था अधिक का स्क्वायर निकालें, यहां जितना कम होगा कम का स्क्वायर निकालेंगे, और कम वाले पार्ट को माइनस करेंगे, यानी माइनस 4 कर देंगे, 4 चौका 16 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 392 गुने 4, 4 दुना 8, 4 नवा 36 के 6, 4 ती 12 3 15, यानी 15 68 16 हो गया। फिर अगला देखेंगे 395 का स्क्वायर, ये 400 से कितना कम है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 5 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस था तो प्लस किए, कम है तो माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 390 गुने 4 करेंगे, 4 0 0 4 नवा 36, 4 3 12 3 15, यानी 15 60 25 हो गया। वैसे ही 392 का स्क्वायर निकालना है, तो बस 300, 400 से कितना कम है, ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 माइनस करेंगे, 8 4 12, और ये हो जाएगा हमारा 8, 384 गुने 4 करेंगे, 4 चौका 16, 4 8 32, 1 33, 4 3 12 3 15। वैसे ही अगर हमें मिले 386 का स्क्वायर निकालना है, तो देखना ये है कि 400 से कितना कम है, तो 400 से कितना कम है, ये 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, कैरी क्या ले लेंगे, 1 लेंगे और 96 वहाँ लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, 4 2 6 7 1 372 गुने क्या करेंगे, 4, 4 दूना 8 और 1 9 लिखेंगे, 4 सत्ते 28 के 8, 4 ती 12 2 14, 14 नवासी 96 हमारा स्क्वायर होगा। यानी अगर हम 400 बेस लेके चल रहे हैं, तो हम 375 से लेकर के 425 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं इस बेस पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 500 प्लस माइनस देखते हैं। हालांकि अगर आप चाहे तो इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 500 प्लस माइनस हो, 600 प्लस माइनस हो, 700 प्लस माइनस हो, तो इजी वे में निकालना है। बस क्या करना है, 400 है तो 4 से किए, 500 होगा तो 5 से, बाकी सारे जगह पे 100 वाला ही रूल लगेगा। बट आगे क्या करना है, 500 है तो मल्टीप्लाई के जगह पे, सपोज कीजिए कि हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर आपको दिया रहे 503 का स्क्वायर निकालना है, तो करना क्या है, देखना यह है कि ये किसका बेस क्या लेंगे, यहां पे बेस 500 लेंगे, 500 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, क्या जाएगा ये 506। अब ये 506 कर दें तो यहां पे 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, बस ये देखना है कि अगर 5 है तो 5 से करेंगे, 4 है तो 4 से करेंगे, 5 से 5 6 30, 25, यानी 25 30 0 9 आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर हम 507 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 अधिक कितना है, 500 से 7 अधिक है, 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 514 गुने 5, 14 पचे 70, 25, 25 70 49 हो गया। अगर हमें 509 का स्क्वायर निकालना है, तो देखेंगे कितना अधिक है, ये 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 81, 9 जैसे ही जोड़ेंगे 518 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 एक 5 चार 9, 50 25, 25 90 81, बहुत ही आसान सा है। बस इसको देखिए 513 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना अधिक है, 500 से 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, बट क्या लिखेंगे हम, ओनली 69 हो, क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। अब इसमें 13 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 526 गुने क्या करेंगे, 5 करेंगे, 5 6 30 और 1 31 के 1 कैरी कितना, 3, 5 दूना 10 3 13, 5 25 1 26, आपका 26 31 69 स्क्वायर हो गया 513 का। वैसे ही अगर हमें देखना होगा 607 का स्क्वायर निकालना है,
तो यहाँ पे क्या मानेंगे 20 क्या मानेंगे हम लोग 600 मानेंगे, 600 से कितना अधिक है ये 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 49। अब इसमें 7 जोड़ देंगे, अधिक है तो क्या करना है जोड़ना है, यानी 614। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे, क्योंकि बेस क्या लिए हैं 600 लिए हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 चौका 24 के 4, 49 हम यहां लिख देते हैं, 6 चौका 24 के 4, 6 एकम 6 2 8, 36 का आपका 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 600 के प्लस माइनस भी इजी वे में निकाल सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं, 609 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, जैसे ही इसमें 9 जोड़ेंगे 618 हो जाएगा। 618 में मल्टीप्लाई क्या करना है 6 से करना है, 6 8 48 के 8 कैरी कितना 4 6 एकम 6 4 10 के 0 6 36 1 37 0 8 8, एक आपका 609 का स्क्वायर हुआ। अगर हमें 601 का स्क्वायर निकालना है तो क्या देख रहे हैं हम लोग, 600 कितना अधिक है ये ओनली 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 1 होता है, क्या लिखेंगे 01। अब जैसे ही 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये 602 हो जाएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से करना है, 6 2 12 और 6 से 36, यानी 36 12 01। अब आपको 613 का स्क्वायर निकालना है तो ये कितना अधिक है इस बार 13 अधिक है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, कैरी क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और जैसे ही इसमें 13 जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 626। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 6 से करेंगे, 6 6 36 1 37 के 7, कैरी कितना 3, 6 2 12 3 15, कैरी कितना 1 6 6 36 1 37, यानी 37 57 69 आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से करके लोग 600 प्लस माइनस 700 प्लस माइनस 800 प्लस माइनस 900 प्लस माइनस तक निकाल सकते हैं, आगे भी करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ माइनस वाला टर्म देख लेते हैं। चलिए माइनस वाला टर्म देखते हैं। अगर हमें दिया है 594 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि 594 किसके आसपास है, तो दिख रहा है कि 594 600 के नज़दीक है, यानी 600 से कितना कम है ये 6 कम है, यानी 600 6 कम है, तो जितना कम है उतना का स्क्वायर क्या लिखेंगे 36 लिख दिए। अब वो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ये 888। अब ये हमने बेस क्या माना है 600 के निकट लिया है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे, 6 8 48 के 8, कैरी कितना 4, 6 8 48 4 52 के 2, हासिल 5 6 5 35 5 35, यानी 35 28 36 आपका स्क्वायर हो गया। वैसे ही अगर हम लेते हैं 587 का स्क्वायर तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे 600 के नज़दीक लेंगे, 600 के नज़दीक लेते हैं तो कितना कम है ये 13 कम है ये, तो 13 का स्क्वायर क्या लेंगे 691 क्या ले लेंगे हम कैरी ले लेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 होगा 7 होगा 5, यानी 574। अब इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से इससे करेंगे क्योंकि हमने बेस क्या लिया है 600 लिया है। अब मल्टीप्लाई 6 चौका 24 1 25 के 5, कैरी कितना 2, 6 7 42 2 44 के 4, कैरी कितना आपका 4 आएगा, 6 25 30 4 34 34 45 6 9 आपका इसका स्क्वायर आएगा। अगर हम वैसे ही 697 का स्क्वायर देखते हैं तो 697 जैसे ही आता है तो मेरे दिमाग में आएगा क्या कि ये 700 के नज़दीक है, ये 700 के नज़दीक नहीं, 700 से कितना कम है ये तो 700 से 3 कम है, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे, और जैसे ही 3 माइनस करेंगे तो ये 694 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 6 से नहीं 7 से करेंगे, 7 से क्यों करेंगे कि क्यों बेस क्या माना है 700 माना है। अब 7 चौका 28 के 8 लिखेंगे, कैरी कितना 2 7 9 63 2 65 के 5, कैरी कितना 6 होना चाहिए, 7 6 42 6 48, यानी हमारा स्क्वायर आएगा 48 58 09। एक और देखते हैं 600
91 का स्क्वायर। तो हमने जैसे ही 691 आया, दिख रहा है कि ये 700 से कितना कम है, 9 कम है। तो जितना कम है उसको माइनस कर देना है और उतना का यहाँ स्क्वायर लिख देना है। जितना कम है उतना का स्क्वायर उतना माइनस कर देना है। 9 माइनस हुआ कितना होगा, 2, 9 2 11, ये 600 हमारा 82 आ गया। हमने बेस क्या लिया है, 700, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 दुना 14 के 4 हासिल 1, 7 8 56, 1 57, कैरी कितना 5, 7 6 42, 5 47, यानी 47 74 81। जैसे ही अगर हम 593 ले लेते हैं, तो जैसे ही 593 लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये 600 के आसपास है, यानी 600 से कुछ कम है। तो 600 से कितना कम है, तो कितना कम है, ये 7 कम है। अब करना क्या है, जितना कम है उसको माइनस कर देंगे और जितना कम है उसका स्क्वायर लिख देंगे, यानी 7 7 49 लिख देंगे। और जैसे ही 49 लिखे, अब इसको माइनस कर लेंगे, 7 6 13, यानी 586। अब हमने बेस क्या माना है यहाँ पे, 600, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 36 के 6, कैरी कितना 3, और 6 8 48, 3 51 के 1, हासिल कितना 5, 6 5 30, 5 35, हमारा स्क्वायर क्या आ गया, 35 16 49। जैसे ही और हम एक और ले लेते हैं, अगर हम 793 लेते हैं या 795 लेते हैं, 93 ऊपर लिए हुए हैं, तो 795 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये 800 के नज़दीक है, यानी बेस क्या लेंगे, 800 लेंगे। अब ये देखेंगे 800 से कितना कम है, ये तो 5 कम है। जितना कम है उतना माइनस करेंगे और उतना का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। अब हमारा ये आ गया 790। अब 790 जैसे ही आया, हमने 800 बेस लिया है तो 8 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, 800 892 के 2, कैरी 7 8 7 56 8 7 56, और 7 7 6 13, यानी 63 20 25 हमारा आ जाएगा 795 का स्क्वायर। तो इस तरह से करके हम लोग 1 से लेकर के 1 के स्क्वायर से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर हम लोग निकालना सीख सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा और करके देखिएगा कि जहाँ भी कमी लगे उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। चलिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये और आ रहा होगा कि क्या सर हम लोग ये कर रहे हैं तो इसके अलावा भी कोई रूल है कि नहीं। जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल हैं, बट रूल हम आपको वैसा देंगे जिससे आपको समझना लिखना आसानी रहे, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसका हेल्प वैसे चीज़ों से लिया जाता है जिससे चीज़ों को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो और भी चीज़ें हैं, एक रूल हम आप लोग को और दिखाते हैं, तो वो भी रूल है, कहीं पे वो सही लगेगा कहीं पे ये सही लगेगा, तो जो आपको जहां सही लगे वहां उसको लेकर के चलना है। सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, हम सबको पता है। अगर हम छोटा सा एक अंक लेते हैं, 24 का स्क्वायर लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर तो ऐसे भी हमें याद है, क्या होगा, 576, 25 का 625 और 26 का 676। अब देखिए 24 का स्क्वायर, हालांकि हमें 1 के स्क्वायर से लेके 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, इसका एकदम कहीं पे भी आप कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए, लिख के याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 24 का स्क्वायर निकालना है, तो हम अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab इंटू बी स्क्वायर, हमें पता है 24 का क्या होता है, 576 होता है। तो देखिए जैसे ही 24 लिखे, तो 24 का स्क्वायर क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अब इसको 2 दूना 4 चौका 16 आ गया, ये 2 दूना 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 डिजिट है तो सिंगल डिजिट लेंगे 6। जैसे ही 1 6 के बाद जो भी बचे, चाहे वो सिंगल डिजिट बटे या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उसको बगल वाले में कैरी कर देंगे। जैसे ही कैरी कर देंगे क्या हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे 17 के जैसे एक जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, 17। अब 17 क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी बस केवल एक ही लेना है, बाकी उसके बाद जो भी होगा उसको बगल वाले में कैरी कर देंगे। तो 4 आए क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 576 आया। उसे ऐसा हम और देखते हैं, 32 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 ए बी कर लिए, फिर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 दूना 12 और आपका ये जाएगा 3 तिहाई 9। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 का 4 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, 9 आ 1, 1 क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, 9 1 10, यानी 1024 हो जाएगा। इस पे आप चाहें तो जितना भी मतलब बड़ा से बड़ा डिजिट ले सकते हैं, छोटा छोटा बन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम एक लेते हैं इससे थोड़ा और बड़ा, 56 का स्क्वायर लेते हैं, तो क्या करें, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 6 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर लिखेंगे। ये इसलिए दे रहे हैं कि इसमें प्लस था तो प्लस किए थे, बट यहाँ तो प्लस नहीं है ना, कोई भी प्लस नहीं है, तो यहाँ पे एक स्लैश का दे रहे हैं ताकि इसमें का एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे और इसमें का एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी फिर किया, इसमें का एक्स्ट्रा इसमें का और इसमें का जो भी एक्स्ट्रा होगा इसमें जोड़ेंगे। अब 6 का स्क्वायर 36 के 6 लिख लेंगे, अब हम 36 लिख लेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 6 35 दूना 60 लिखेंगे, 50 25 लिखेंगे। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि एक लाइन को इसको हमको न लिखना पड़े। कैसे, अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। 6 लिख देंगे, अब ये 3 कहाँ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, यानी क्या होगा, 63 के 3 क्या है, कितना 6, 6 इसमें जाएंगे, 25 6 31, यानी 31 36 सबका स्क्वायर आ गया। वैसे ही अगर हम 62 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 दूना 4 6 24 और 2 दूना 4। अब देखिए 4 यहाँ लिख दिए, अब ये 4 यहाँ लिख दिए और 36 2 38, यानी 38 44 हमारा स्क्वायर हो गया। अगर हमें 78 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8 लिखेंगे और 8 का स्क्वायर लिखें, 8 आई 64 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 8 दुना 16, 16 सत्ते 112 आएगा ये, और ये 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब 64 के 4 करेंगे, 6 कहाँ होगा, इसमें जोड़ देंगे बगल वाले में, क्योंकि ये जो दो जो भी दहाई अंक हो या सैकड़ा अंक हो वो अपना खुद का नहीं होता है, वो पड़ोसी का होता है, तो जिसका होता है उसको वापस कर देना है। तो जैसे ही यहाँ लिए तो 6 2 8, अब जैसे ही 8 लिखे बगल में क्या आया, 11 आया, 11 भी क्या हो गया इसका, ये अब अपना नहीं है, ये अपने पड़ोसी वाले को दे देगा, यहाँ 11 देंगे। अब जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ अब इसके बाद में कोई डिजिट तो है नहीं, तो ये पड़ोसी को वापस नहीं करेगा, वो अपने पास रख लेगा, यानी 9 1 10 के 0 4 1 5 1 6, यानी 60 84। तो ये आपका सेकेंड रूल है जो ए बी स्क्वायर के तौर पर बना सकते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कुछ और देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हमें इस पे 86 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8 इंटू 6 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 36 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 8 दुना 16 6 96 आएगा, ये 8 28 64 आ गया। अब क्या करेंगे, 36 के 6 लिख देंगे, ये 3 कहाँ आ जाएगा, पड़ोसी में, 6 3 9, अब ये 9 कहाँ आएगा, पड़ोसी में, 9 4 13, यानी 73 96 आएगा। अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं, अगर हमें 114 का स्क्वायर निकालना है तो याद रहे पहले वाले अंकल को बी अंक को बी मानेंगे और उसके बाद जो भी हो चाहे 11 12 या 3 डिजिट का भी उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 11 इंटू 4 2 ए बी कर लेंगे और अब उसके बाद क्या करेंगे, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लेंगे। अब ये 4 दूना 8 11 8 88 लिखेंगे, 11 का 121 ले लेंगे, 16 के 6 लिखेंगे, यहाँ पे 1 क्या है, पड़ोसी का, यानी 9 ले लेंगे, ये 8 कहाँ है, पड़ोसी का, यानी 129 96 हमारा स्क्वायर आ गया। अगर हम 100 प्लस माइनस भी देखते हैं तो इजी में बन जाएगा, वहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 छियानवे लिखते हैं, 14 28 1 29 129, तो वहाँ से और थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 125 तक तो इजी में निकाले रहते हैं, 100 प्लस माइनस में अगर हमें 132 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
तो इसको ए इसको बी, यानी 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 13 इंटू 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, 2 दूना 4, 13 चौका 68, सॉरी 13 चौका 52, यानी 2 13 दूना 26 दूना 52 लिखेंगे यहाँ पे, और 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4, अब यहाँ पड़ोसी में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बट ये 5 किसका है, पड़ोसी का, यानी 9 5 14, 174 24 हमारा स्क्वायर आ गया। थोड़ा इससे बड़ा डिटेल लेते हैं, 153 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर इंटू 2 गुना 15 गुना 3 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। अब ये देखेंगे 5 या 45 दुना 90 आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। अब 9 लिखेंगे ये, अब यहाँ 0 का जगह पर क्या लिखेंगे, 9 आ गया। अब ये 9 किसका है, 0 लिख देंगे, 9 किसका है, पड़ोसी का, 225 और 9 234, ये 234 0 9 हमारा स्क्वायर हो गया। वैसे देखते हैं 166 का स्क्वायर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले 16 का स्क्वायर ए माने, इसको इसको बी माने, अब क्या करेंगे 2 गुना 16 गुना 6 कर देंगे, और फिर 6 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 36 आ गया। अब ये 16 6 96, 96 दूना 192, या आप 16 दूना 32 गुने 6 6 12 6 18 19 192 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हमारा आएगा। अब क्या करेंगे, 6 से यहाँ लिख देंगे, 3 किसका है, पड़ोसी का, यहाँ लिख देंगे 3 2 5 हो गया। अब जैसे ही 5 करेंगे 19 क्या जाएगा, पड़ोसी में जुड़ जाएगा, यानी 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 2 1 2, यानी 275 56, 166 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये रूल लगा के भी चाहे तो आप उससे आगे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए स्क्वायर हम यहीं पर रहने देते हैं, एक पार्ट और स्क्वायर के लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे 5 इंग्रेडिएंट पे अगर 5 हो तो कैसे निकालेंगे, अगर 1 हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ पार्ट बचा होगा उसको लेकर आएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आखिर इसका स्क्वायर जो सीख रहे हैं इसका यूज कैसे करना है। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जब तक शेयर नहीं कीजिएगा और लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच के आएगा।